क्वेश्चन नंबर थ्री, क्या कहता है? जेक हैज करंट लाइबिलिटीज ऑफ ट्रेड पेबल एंड करंट असेट्स ऑफ इन्वेंट्री. क्या चीज है? करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स है और करंट असेट में क्या चीज है मेरे भाई? इन्वेंट्री. ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश एट बैंक. करंट असेट में तीन चीजें, इन्वेंट्री है, डेटर्स है और बैंक है. विच मेजर वुड इम्प्रूव करंट रेशो? किस चीज से करंट रेशो इम्प्रूव होगा? करंट रेशो होता क्या भाई? करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. तो ये आ जाता है करंट रेशो, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी. करंट रेशो कैसे बढ़ेगा? करंट रेशो ऐसे बढ़ेगा, या तो करंट एसेट्स बढ़ जाए, न्यूमरेटर बढ़ जाए, या करंट लाइबिलिटी कम हो जाए. सही जी? या करंट एसेट्स बढ़ जाए, करंट लाइबिलिटी में कोई चेंज ना हो तो भी बढ़ जाएगा, या करंट एसेट में कोई चेंज ना आए, करंट लाइबिलिटी कम हो जाए तो भी करंट रेशो बढ़ेगा. और अगर ये दोनों चीज़ें हों तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, करंट रेशो और बढ़ेगा, कि करंट एसेट्स भी बढ़ रहे हैं और लाइबिलिटी कम हो रही है. हमें बताना है कोई भी ऐसा सिनेरियो जिसमें करंट एसेट्स बढ़ जाए या करंट लाइबिलिटीज़ कम हो रही. करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, देखते हैं. बाइंग एडिशनल इन्वेंट्री इन पेइंग इन कैश. यार अगर आप देखो, इन्वेंट्री हमने खरीदी, एक करंट एसेट बढ़ गया. जब हम परचेस करते हैं इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री बढ़ जाती. एक हमारे पास एसेट बढ़ रहा है इन्वेंट्री, और एक कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है. तो एक करंट एसेट बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, देखा जाए तो कोई अफेक्ट नहीं आएगा आपके करंट रेशो पे, क्योंकि कैंसल आउट हो रहा है. कहते हैं डिक्रीजिंग ड्रॉइंग. ड्रॉइंग जितनी कम होगी उतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा. बैंक बढ़ेगा तो करंट रेशो इंप्रूव हो जाना चाहिए, तो ये बात सही है. रीवैल्यूइंग नॉन करंट एसेट. रीवैल्यूइंग जो है वैसे ओ लेवल में नहीं होता. रीवैल्यूएशन में ये होता है कि जब कोई एसेट को रीवैल्यू करते हैं, एस लेवल में होता है, तो एसेट को डेबिट करते हैं और हम उसका एक गेन बुक करते हैं क्रेडिट साइड पे, और उसका नाम होता है रीवैल्यूएशन रिजर्व. लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट रिवैल्यू करने से बैंक बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो किसी और करंट एसेट पे फर्क पड़ेगा. नॉन करंट एसेट बढ़ जाएगा और इक्विटी बढ़ जाएगी, तो इससे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा. डी में कहता है सेलिंग इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट रादर देन फॉर कैश. या देखो, इन्वेंट्री आप क्रेडिट पे बेचोगे तो डेटर बढ़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल्स, और कैश पे बेचोगे तो कैश बढ़ेगा. तो चाहे डेटर्स आए, ट्रेड रिसीवेबल्स, चाहे कैश आए, इसका मतलब करंट एसेट तो आ ही रहा है ना, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो आंसर